हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। और आज हम आए हैं रोजॉक पे, और कोई रोजॉक पे आया नहीं था। और स्टार्टिंग में प्लेन पे मेरी एक स्क्वाड के साथ फाइट हो गई थी, जो कह रही थी स्कूल आओ, तो इसलिए हम रोजॉक आए थे। और अब लूट करके चलते हैं उनको मारने। और यहाँ पे वो स्क्वाड, मुझे पता था अपार्टमेंट लूट करते, एक बंदे को पूरा लिट और एक बंदे को नॉक कर देता। और वहाँ पर टीम मेट मेरे ने वहीं पे नहीं रखा, तब भी वो नॉक नहीं हुआ। मैं भी नेट ट्राई करता हूँ कि वो क्या पता वो वहाँ पे हो, वहाँ पे भी नहीं नॉक होता, पता नहीं फिर क्या पता डैमेज हो रहा हो। और पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं तो वो तो निकलता है बॉट, ये बॉट को भी मारते हैं। और जैसे मैं बॉट को मारता हूँ उधर से वो बंदा भागने की कोशिश करता, पर निपटा देते हैं। और इनका आखिरी बंदा भी कोशिश कर रहा था, पर उसको भी निपटा के स्क्वाड को फिनिश करके थोड़ा चिढ़ाते हैं कि भाई आओ पंगे ले रहे थे ना हमसे। और उसके बाद हम आते हैं पचिंकी में, और यहाँ पे कुछ बंदे थे, दो स्क्वाड्स थी। और यहाँ पे एक बंदा इसे नॉक करते हैं और फिर आगे रश करने जाते हैं हम। यहाँ पे मेरे टीममेट्स को किल्स चाहिए थी, तो वो सीधा अंदर घुसना चाहता था, किल्स करना चाहता था उसके पास। उसको अभी तक जीरो किल्स थी और मेरी यहाँ पे 6 हो गई थी। उसकी बार बार किल चोरी हो रही थी, तो भाई हमने कुछ नहीं देखा, घुस गए। और मैंने यहाँ पे टीममेट को कहा भाई तू घुसना, अगर तू नॉक हो मैं तो फायर करूँगा, उसके बिना मैं फायर नहीं करूँगा, तुझे पूरा कवर दूंगा, तू नॉक करियो, अगर तू नॉक हुआ फिर मैं फायर करूँगा। यहाँ मेरा टीममेट घुसता भी है, मैं भी उसके पीछे पीछे चलता हूँ। यहाँ पर मैं M76 स्विच कर लेता हूँ, टीम मेडम ने जैसे ही कुछ किया। अब आगे एक और स्क्वाड थी, तो टीम मेट वहाँ पे एक नॉक कर चुका था और रश करने वाला था कि उसे कोई कार 98 से नॉक कर देता है। और मैंने कहा कवर में आगे कवर दूंगा मैं उसको, मैं डैमेज देता हूँ तब तक जब तक वो हील करेगा, मैं आगे क्रॉस कर लेता हूँ जिक जैक करके, ताकि वो कार थोड़ी सी बॉडी दिख रही थी। और नॉक करते हैं टीम मेट को, आराम से रैप चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ फुटस्टेप्स आ रहे थे बंदों के, तो मैं एक नीट ट्राई करता हूँ और फिर रश कर देते हैं ऊपर। यहाँ पे अपने टीम मेट के मैं वेट कर रहा था, क्योंकि उसको अभी तक एक भी किल नहीं मिली थी। जो उसको मिली थी मेरी थी भाई, पता था। तो मैंने अपने टीम मेट को कहा भाई तू खुश, तेरे पीछे आ रहा हूँ। और वो खुश भी जाता, क्योंकि मुझे वो बताता भी नहीं है कि वो खुश है। और वो नॉक भी कर देता है और फिनिश भी कर लेता है पूरा। और यहाँ पर मेरा टीम मेट 2 नंबर पूरी स्क्वाड फिनिश कर देता है, और मुझे पता नहीं लगता, मुझे अभी भी लग रहा था कि स्क्वाड जिंदा। और टीम मेट को मैं कह रहा था हेल्थ कर ले, फिर रश करता है और उसको मैं मेडिकेट दे रहा था। बाद में पता लगता है कि वो स्क्वाड पूरी वाइप हो चुकी है। यहाँ पे जब मुझे पता लगा ना कि भाई टीममेट रिवाइव, तो रिवाइव कैसे हुआ भाई, पूरी स्क्वाड थी वहाँ पे, ये रिवाइव कैसे हुआ। यहाँ पे मैं अपनी आराम से लूट एडजस्ट कर रहा था, और भाई मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश भी की कि बंदे कहाँ हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई नीचे जाके देखते हैं कि टीममेट रिवाइव कैसे हुआ, क्योंकि 2 नंबर को भी नहीं कुछ पता था, मेरे टीममेट को, मेरे दोस्त को भी नहीं पता था क्या हुआ। फिर बाहर जाके देखा तो पता लगा कि भाई पूरी स्क्वाड मारी गई है। फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ पर टीममेट को टीशर्ट जाना था, वो मारा गया, यहाँ पर मर गया वहाँ पे। और यहाँ पे ये गाड़ी निकलती है, इसको पूरा लो कर देता हूँ, और जब तक वो हिल करेंगे मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। और देखो फिर कैसे निपटाते हैं स्क्वाड को। यहाँ पे 2 हम थे तो रह गए 4 बंदे, उनमें से 3 वो थे और 1 सोलो था। और वो सोलो की भी लोकेशन हमें पता थी कि वहीं पे है, वो वहीं पे। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा है एक मोमेंट का कि भाई मेरा टीममेट जैसे ऊपर में वो उसके मारने के लिए उठे और मैं नॉक कर दूँ। ऊपर बैठ गया, मुझे पता था वो खिड़की पे खड़ा रहेगा, और इसलिए मैं स्मोक के थ्रू खिड़की पे एम करके मार दिया। और फिर यहाँ पे आकर मैं टीपी लेने लगता हूँ कि तभी मुझे फुटस्टेप्स आते हैं कि भाई वहाँ पे भी कोई है। जैसे वो मॉली फेंकता हूँ मुझे फुटस्टेप्स आते हैं, मैं फटाफट से मॉली फेंकता हूँ, एक बंदा दिखता है। और फिर जैसे नॉक करते हैं मॉली से बंदा चल जाता है, और एक बंदा बाहर आता है उसको नॉक करते हैं। और अब इनका एक ही बंदा बच चुका था जो कि पता नहीं कहाँ से मार रहा था, उसको मैं फिनिश करता हूँ। मुझे लगता है कि वो घर पर मेरा कभी ज़्यादा ड्रोन था, तब तक मुझे पता लगता है तब तक 3 मिनट निपटा देता है। और एक ईजी सा चिकन डिनर फ्रेंड्स।